भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को देखकर ये नहीं लगता कि भाई ये उनकी पहली बार चुनावी रैली है। उन्हें देखकर ये लग रहा है कि वो मजे हुए नेता है और ऐसी कई रैलियां वो कर चुके हैं और जिस तरह से वो जनता के बीच उन्हें संबोधित कर रहे हैं उन्हें देखकर भी ये लग रहा है कि एक मजे हुए नेता के तौर पर वो उभर कर आ रहे हैं। दिनों दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ के भाषणों में निखार आ रहा है। तभी तो उनकी विपक्षी पार्टी निरहुआ से इतनी ज्यादा खौफ खाई हुई है कि आए दिन उनकी रिकॉर्डेड भाषणों की सीडी सुनी जा रही है। जिस रैली में दिनेश लाल यादव निरहुआ जाते हैं वहां भाषण देते हैं उनकी विपक्षी पार्टी उनकी उस भाषणों की सीडी मंगाकर उन्हें देख रही है कि निरहुआ ने अब क्या नया कहा है और अब क्या नया वो करने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह से निरहुआ अपनी पार्टी की तरफ से लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो फलाना करेंगे, धमाका करेंगे, यानी अनेकों तरह की योजनाएं बता रहे हैं, उन योजनाओं को टिकटॉक कॉपी पेस्ट करके उनकी विरोधी पार्टी अपने चुनावी रैलियों में कह रही है। खैर, लेकिन हम उतरते हैं असल मुद्दे पर। अखिलेश यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ को भले ही नचनिया कह दिए हों, लेकिन इस नचनिया से कुछ ज्यादा ही खौफ खाए हुए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ के रैलियों में जुट रही भीड़ को लेकर भी काफी चिंतित हैं। इसलिए शायद उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार प्रसार करना शुरू किया है। अब यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जीत हो निरहुआ की या फिर हार, लेकिन अपने विरोधियों में किस तरह की बौखलाहट होती है वो तो कोई आजमगढ़ में जाकर दिनेश लाल यादव निरहुआ की विरोधियों के मुख पर देखे, वहाँ कुछ ज्यादा ही घबराहट है। और अखिलेश यादव की ये स्थिति देखकर ये लग रहा है कि सपने में भी आजकल उन्हें निरहुआ और निरहुआ के भाषण ही सुनाई दे रहे होंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।